आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे गस्तर जाइछन्ते एवं एहि अवसर में छत्रपति शिवाजी महाराज विशाल प्रतिमूर्तिर अनावरण करछन्ते। या सहित विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करछन्ते। यापर सिम्बाईस्थित विश्वविद्यालय वार्षिक उत्सव को उद्घाटन करथिले प्रधानमंत्री। या सहित पुणे मेट्रो परियोजनार उद्घाटन करने सहित मेट्रो रे निजे प्रधानमंत्री यात्रा करथिले। टिकेट मध्य किणबा प्रदृश्य सामना आसला। विकास पथरे आगक नेवा दिगरे आज पुणे को मेट्रो योजनार एक बड़ उपहार देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर्यावरण की दृष्टि से प्रशिक्षण, पूरे शहर में नदी उत्सव का वातावरण बनाना चाहिए, तब जाकर के हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे, पानी के एक बूंद बूंद का हम महत्व समझेंगे। किसी भी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल, लेकिन दशकों तक हमारे यहां ऐसी व्यवस्थाएं रही कि अहम परियोजनाओं का पूरा होने में काफी देर हो जाती थी। ये सुस्त रवैया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है। आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी। इसलिए ही हमारी सरकार ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। हमने देखा है कि अक्सर परियोजनाओं में देरी की वजह होती है अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में, सरकार में तालमेल की कमी। इस वजह से होता यह है कि जब वर्षों के बाद कोई परियोजना पूरी भी होती है तो वो आउटडेटेड हो जाती है, उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन्हीं सारे विरोधाभासों को दूर करने का काम करेगा। जब एक इंटीग्रेटेड फोकस के साथ काम होगा, हर स्टेक होल्डर के पास पर्याप्त जानकारी होगी, तो हमारे प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इससे लोगों की दिक्कतें भी कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का भी संतोष है कि आधुनिकता के साथ साथ पुणे की पौराणिकता महाराष्ट्र के गौरव को भी अर्बन प्लानिंग में उतना ही स्थान दिया जा रहा है। ये भूमि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे प्रेरक संतों की रही है। कुछ महीने पहले ही श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अपने इतिहास पर गर्व करते हुए आधुनिकता की विकास यात्रा यूं ही सतत चलती रहे, इसी कामना के साथ पुणे के सभी नागरिकों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।